कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा है 3,500 किलोमीटर से ज्यादा। जो हिंदुस्तान में आज बेरोजगारी फैली है, जो महंगाई है, इसके भी खिलाफ यात्रा है। कर्नाटक में हिंदुस्तान की शायद सबसे भ्रष्ट सरकार है, चीज में 40% कमीशन लेती है। किसानों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों से 40% कमीशन लेने वाली सरकार के कॉन्ट्रैक्टर्स ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, कहा कि कर्नाटक में 40% कमीशन का राज चल रहा है, प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इस यात्रा का लक्ष्य, ये जो मुद्दे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में इन मुद्दों के लिए लड़ता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है, यात्रा वैसे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो एक चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने वाली पार्टी है उसने शुरू की है, पर इसका महत्व केवल राजनीतिक और चुनावी प्रक्रिया से ऊपर है। मैं ये याद दिलाना चाहूँगा कि ये यात्रा करीब 3,500 किलोमीटर चलेगी, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू तक, और इसमें 12 राज्य और 2 केंद्रीय शासित जो ये उपराज्य रहते हैं वहाँ से होकर गुजरेगी, और इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अलावा बाकी सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़ेंगे। अब इस यात्रा की अभी तो शुरुआत हो गई है, पर 2-3 हफ्ते पहले जो एक जाने माने मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता हैं योगेंद्र यादव, उनके इनिशिएटिव से और बाकी बड़े कार्यकर्ताओं के इनिशिएटिव से, इनकी पहल से इन्होंने पहल ली और बाकी सामाजिक गैर चुनावी संगठनों को उन्होंने आमंत्रित किया। उनका उद्देश्य ये था कि यात्रा को केवल एक चुनावी राजनीतिक पार्टी के रूप में न देखा जाए, और आज के जो हालात हैं जिसमें बहुत भयंकर परिस्थिति पैदा हो गई है, उसके कारण बाकी सामाजिक संस्थाएं भी इसमें भाग लें, ताकि ये यात्रा का प्रभाव पूरे देश पर एक अच्छे तरीके से हो और जो आज के हालात हैं उनसे निपटने के लिए लोगों में एक चेतना, लोगों में एक जागृति पैदा की जाए। वैसे जैसे हम देख रहे हैं कि इस यात्रा की पृष्ठभूमि तो बहुत स्पष्ट है कि आज जिस हालात में हम रह रहे हैं, एक तरफ बेकारी, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, महिलाओं पर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो हमारी एकता थी, एकता अलग धर्मों के लोगों के बीच में, अलग जातियों के लोग के बीच में, अलग भाषाओं के लोग के बीच में, वो एकता भी कहीं कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। और इसी के साथ साथ जो हमारा मीडिया है, जो हमारे लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए बने हुए संस्थान हैं, उनकी भी हालत काफ़ी कमज़ोर हो रही है। यानी एक प्रकार से तानाशाही राज्य की तरफ, तानाशाही राज्य आजकल चल रहा है, तो उस संदर्भ में इस यात्रा का महत्व बहुत बढ़ जाता है। और ये बिल्कुल सही है कि बहुत सारे सामाजिक संगठन, करीब 200 से ऊपर,
व्यक्तियों के रूप में, जो महत्वपूर्ण लेखक हैं, जो महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो उनके संगठन हैं, वो भी इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। अब वो लोगों को तो चुनावी राजनीति में कोई खुद का स्वार्थ है नहीं, पर जो मुद्दे हैं, जो राष्ट्र के मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे हैं, वो मुद्दों से उनका जुड़ाव है, इसलिए उन्होंने भी ये फैसला किया है कि इस यात्रा को एक सफलता की तरफ ले जाया जाए। वैसे देखा जाए तो भारत में कई प्रकार की यात्राएं हुई हैं और ये यात्राएं सकारात्मक संदेश भी देती हैं, पर कुछ कुछ यात्राएं ऐसी भी हुई हैं जिन्होंने नकारात्मक संदेश भी दिया है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, सबसे पहले जो एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा जो शुरुआत हुई थी वो थी आज़ादी के आंदोलन के दौरान। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च निकाला था, नमक सत्याग्रह, उस नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने और उनके सहयोगियों ने पूरी मेहनत से, लगन से, बारीकी से यात्रा को सफल बनाया, एक एक उसकी योजना बनाई। और बड़ी मज़े की बात यह है कि ये यात्रा इतनी सफल रही कि पूरे देश में एक तरफ अंग्रेजों के राज्य के विरोध में आवाज़ और दूसरी तरफ राष्ट्र के जुड़ने की प्रक्रिया। ये ख्याल कीजिएगा, एक तरफ संदेश है कि हम अंग्रेजों के राज्य के खिलाफ काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसके साथ ही साथ देश के सभी लोगों को एक संदेश मिला कि हमारी जो पहली पहचान है धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पर, उससे उठकर एक भारतीय के रूप में हमें जुड़ना है, जो बंधुत्व एक पूरे देश में कायम करना है, ये यात्रा ने उसमें एक बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके बाद दूसरी कुछ और यात्राओं का मैं उल्लेख करना चाहूँगा जो खुद महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, और ये यात्राएं थी खास तौर से 1933 के बाद। थोड़ा मैं आपको पृष्ठभूमि दे दूँ कि इसके पहले डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने समता के लिए, सामाजिक बराबरी के लिए कालाराम मंदिर का आंदोलन किया, चौदार तालाब का आंदोलन किया, और ये इनका मुख्य उद्देश्य था समता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। इसी के संदर्भ में ये एक देश में जागरूकता पैदा हुई कि हमारे यहाँ जो छुआछूत की प्रथा है, जाति व्यवस्था है, वो कितना भयंकर रूप में प्रचलित है। और इसी से प्रभावित होकर जो उस समय के आज़ादी के आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1933 में राष्ट्रीय आंदोलन को थोड़ी देर के लिए ताक पे रख दिया, फ्रीजर में रख दिया, और उन्होंने कहा ये छुआछूत की समस्या, जाति की समस्या, इससे निपटारा करने के सिवा हमारे पास कोई उपचार नहीं है, ये हमारी आज़ादी के आंदोलन का महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए। तो इसलिए फिर महात्मा गांधी ने बहुत सारी यात्राएं निकाली दक्षिण भारत में और दूसरे क्षेत्रों में, और जिसका संदेश था नंबर एक छुआछूत के खिलाफ, नंबर दो जाति प्रथा के खिलाफ, और ये निश्चित रूप से महात्मा गांधी का इस पर जिस बात का प्रभाव पड़ा था वो प्रभाव डॉक्टर अम्बेडकर के जो आंदोलन थे उनका प्रभाव था। तो ये इन यात्राओं ने देश को जोड़ा, और देश को जोड़ने की प्रक्रिया, बंधुत्व के विकास होने की जो प्रक्रिया, यूनाइटिंग इंडिया, भारत जोड़ो की प्रक्रिया, यहाँ से बहुत मजबूती से आगे बढ़ी, जिसके परिणाम स्वरूप हमें एक तरफ भारत एक बंधुत्व के रूप में आया, और ये आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़े संघर्ष के रूप में आए, जिसके कारण हमको आज़ादी मिली। तो मैं इन दोनों चीज़ों को एक सिक्के के दो पहलू देखता हूँ, एक तरफ भारत के लोगों का जुड़ना और दूसरी तरफ अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति। तो इससे अलग जो नकारात्मक यात्रा निकली वो 1990 में निकली, और ये यात्रा थी भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा रथ यात्रा। सोमनाथ से चला है और जिसके मन में संकल्प किया हुआ है 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके काम सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेंगे, कौन सी सरकार रोकने वाली है।
रथ यात्रा। उसी समय उसी के आसपास मंडल कमीशन लागू हुआ जो सामाजिक न्याय की बात कर रहा था, सकारात्मक कार्य की बात कर रहा था, और उसके मुकाबले में, उसके जवाब में ये रथ यात्रा जो एक धर्म के मंदिर के लिए खड़ी की गई, ये यात्रा महात्मा गांधी की यात्राओं के खिलाफ, ये ऐसी यात्रा थी जिसने देश को बांटा, धर्म के नाम पर दो टुकड़े करने की पूरी कोशिश की। रथ यात्रा जहाँ जाती थी उसी के पीछे पीछे सांप्रदायिक दंगे होते थे, और इसकी परिणति जो हुई वो बाबरी मस्जिद के ध्वंस में हुई, और उसके बाद जो दंगों का स्वरूप है वो बदल गया, और अल्पसंख्यकों के ऊपर होने वाले अत्याचार ये पहले से बढ़ गए। यहाँ मैं एक बात जो मेरा अवलोकन है आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और उसी के साथ साथ समाज के कमज़ोर तबकों पर अन्याय, ये साथ साथ चलते हैं। इसी प्रक्रिया के चलते भारतीय जनता पार्टी 1998-1998 पहली बार सत्ता में आई, माइनॉरिटी में थी, एनडीए बनाया, पर उसमें भी उन्होंने रंग दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी ये एक अलग किस्म की पार्टी है। इसका उद्देश्य केवल लोकतंत्र को समाप्त करना नहीं है, ये एक बड़े संगठन आरएसएस के एजेंडा का राजनीतिक हस्तक है। ये आरएसएस का एक हस्तक है, आरएसएस जो हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र को स्थापित करना चाहता है। और वो उस समय भी, कई लोग उस समय कहते थे क्या फर्क है भाजपा में और कांग्रेस में, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पर वो उस 5-6 साल के वाजपेयी जी के शासन में भी ये स्पष्ट हो गया कि ये एक अलग प्रकार की पार्टी है। बहुत सारी चीज़ें हुई, मानव अधिकारों पे बहुत हनन हुआ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुत कुछ हुआ, और इसी दौरान पैस्टर ग्रहम स्टेवर्ड स्टेन्स की जघन्य हत्या भी हुई। खैर, इन सब चीज़ों के विस्तार में मैं नहीं जाऊँगा, केवल इतना कहूँगा कि इससे उसी दौरान सेफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, हमारी किताबों को एक प्रकार से सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, और वो अपने आप में एक छाप छोड़ गई। खैर, 2014 के बाद जब पूरी मेजॉरिटी में, पूरी बहुसंख्या से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तो एनडीए तो केवल नाम के लिए है, जो नीतियां चलती हैं वो भाजपा और भाजपा के अंदर भी उसके प्रधानमंत्री की नीतियां चलती हैं, और उसके आने के बाद हमारे लोकतंत्र में कमजोरी, समाज के कुछ चंद बड़े पूंजीपतियों का विकास, आम लोगों की गरीबी की वृद्धि, और दुनिया भर में जो इंडाइसेस हैं, मीडिया की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, धर्म की स्वतंत्रता और लोकतंत्र का इंडेक्स, इन सब में लगातार गिरावट होती जा रही है। और जो बंधुत्व आज़ादी के आंदोलन के दौरान विकसित हुआ था, वो बंधुत्व कहीं कमज़ोर होता नज़र आता है। तो इस समय जो यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है, जो केवल एक भले ही एक पार्टी द्वारा किया गया हो, पर आज कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को, और मुझे भी ये लगता है कि आज सबसे बड़ी जो हमारी ज़रूरत है वो है भारत को एक जोड़ने की, भारत को जोड़ने की, एक आध्यात्मिक रूप से, एक राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, और इन सब से अगर हम जोड़ सकें तो फिर वो सब आंदोलन जो समता के लिए हैं, जो बंधुत्व के लिए हैं, जो आर्थिक अधिकारों के लिए हैं, तब वो आंदोलन सफलता से चलाए जा सकते हैं। और इसीलिए बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा को अपना समर्थन दिया है, और मुझे उम्मीद है कि ये यात्रा एक उसी प्रकार का लैंडमार्क होगी, उसी प्रकार का मील का पत्थर होगी जैसे कि दांडी यात्रा थी, जैसे कि महात्मा गांधी की बहुत सारी यात्राएं थी। उस राह पर चलकर ये देश को, के लोकतंत्र को मजबूत करेगी, और उन चीज़ों को मजबूत करेगी जिसके आधार पर हमारा देश प्रगति कर सके, और उन चीज़ों को मजबूत करे जिसके आधार पर हमारा आर्थिक बराबरी, आर्थिक बेहतरी ये हो, और लोग खुशहाली से भारत के संविधान के रास्ते पर अपना जीवन जी सकें।